हमारी पार्टी जनता दल यू हमेशा इस बात की पक्षधर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रारूप तय होना चाहिए, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क करके एक समन्वित नीति बनाकर के एक सामूहिक समझ बनाकर, यह इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में जिस ढंग से वित्तीय खर्चे का अधिभार पड़ता है एवं साथ ही साथ आचार संहिता प्रभावी होने से जगह जगह पर विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए। यह तो सार्वजनिक जीवन की शुचिता के लिए और खास करके धन बल की जो राजनीति है उस पर नियंत्रण करने में एक महत्वपूर्ण कारक होगा। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि कुछ विदेशी शक्तियां भारत को ध्यान से चिंतित हैं, भारत के भीतर और बाहर अस्थिरता और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि वैश्विक निवेशकों तक गलत संदेश जाए, गलत सूचना अभियान चला रहे हैं, जाति धर्म के लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में और एकता को कमजोर करना चाहते हैं, भारत को विकसित हो क्योंकि गरीब भारत कमजोर भारत की राजनीति में सूट करती है, इसलिए संविधान के नाम पर भारत को तोड़ रहे हैं। हमें सारी नक्सली उस गठबंधन की पहचान करनी होगी और उसका बढ़ाना होगा। ये भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास रहा है, हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अगुआ रहे हैं, तो यह स्वाभाविक रणनीति हमारी रही है कि दुनिया के अंदर में भारतवर्ष की भूमिका को कोई प्यार करे या घृणा करे इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन नए दौर में नई राजनीति का ये तरीका चल पड़ा है और इस यह देश गवाह है श्रद्धेय अटल जी का, राजीव गांधी जी का, कि दलीय मतभेद रहने के बावजूद एक दूसरे के प्रति सम्मान। इंदिरा जी को अटल जी ने दुर्गा कहा था बांग्लादेश विजय के बाद, लेकिन आज हालात यह हो गया है कि देश के आंतरिक हालात के बारे में भी विदेश में जाकर चर्चा किया जाना यह देश के गौरव के खिलाफ है। यह स्वाभाविक रूप से, भाई आप दुनिया के अंदर में जाते हैं तो आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो जो लोग देश के अंदरूनी मामले को अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में, ईर्ष्या में, विदेश में जाकर अपना मंतव्य व्यक्त करते हैं, उससे यह लगता है कि वह भारत जो महाशक्ति के रूप में जिसके उभरने की पूरी संभावना है, पूरा सामर्थ्य है, पुरुषार्थ है, तो वैसे पुरुषार्थ पर कहीं न कहीं सवालिया निशान अपरोक्ष रूप से खड़ा लोग जरूर करते हैं, लेकिन देश जब मन बना लेगा तो देश उसी रास्ते चलेगा। दीपोत्सव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि काशी मथुरा को अयोध्या के दौरान चमकना। देखिए, धार्मिक स्थलों का विकास यह देश के आम लोगों की भावना के अनुरूप है, चाहे वह अजमेर का विकास हो, वाराणसी का विकास हो, चाहे बिहार ने तो रास्ता दिखाया है, बिहार ने में आज आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका है, और देश में माननीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज देशी और विदेशी पर्यटक में हम 8वें स्थान पर हैं। तो स्वाभाविक रूप से पर्यटक जाए, लेकिन वह समानता का भाव बोध हो, यह भी आवश्यक है। फिर मैं कह रहा हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी का कोई करीबी होने का दावा करता है वो केवल राजनीति का मार्केटिंग है, कोई करीबी नहीं है। नीतीश कुमार जी का करीबी है 14 करोड़ बिहार की जनता, ये भ्रमजाल में जो लोग रहते हैं वो फंस जाते हैं। अब वैसे लोग जिनको भारतीय प्रशासनिक सेवा का भी पेंशन मिल रहा होगा, एमपी का भी पेंशन मिल रहा होगा, और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री परिषद में सम्मान दिया, जब ये भाजपा के नहीं हुए तो हमारे कहाँ से होंगे। ऐसे राजनीति की दुकान उन्होंने नहीं खोली है दीपावली के दिन, लेकिन हमको लगता है ग्राहक शून्य है। तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि झारखंड चुनाव हो रहा है, लोग एनडीए सरकार से त्रस्त है और वहाँ फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है, वहाँ पर मैया सम्मान योजना है या फिर बिजली मुफ्त बिजली की बात हो, तो सभी को लेकर वहाँ फिर से सरकार इंडिया एलायंस मांग रहा है। तेजस्वी यादव ने यस इस पर क्यों नहीं बयान दिया कि पटना के बेउर जेल से ले जा करके कोडरमा में उम्मीदवार बना रहे हैं, ईडी के आरोपी को बना रहे हैं, उसके साथ नामांकन अभियान में भाग लेते हैं,
राजनीति की निर्लज्जता की पराकाष्ठा पहुंचा दिया और शराब कंपनियों से जो आपने पैसा लिया था 2023 में और 24 में लोकसभा चुनाव के लिए, उसके लिए कब कब हमको लीगल नोटिस भेजिएगा? हम प्रतीक्षा में हैं कि तेजस्वी यादव शराब की कंपनियों से राष्ट्रीय जनता दल ने पैसा लिया, बिहार में शराबबंदी है, तो आखिर किस आश्वासन पर वह पैसा दिया था, जरा इसका खुलासा करिए, और नहीं तो लीगल नोटिस भेजिए।